नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रिडिक्ट करने वाले हैं ड्रीम इलेवन में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड वुमेंस का नंबर वन टीम कैसे बना सकती है और लाखों रुपए कैसे जीत सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पिच का मिजाज एंड कैसे बैट्समैन सेलेक्ट करने चाहिए जो इस मैच में चल सकते हैं, साथ ही साथ प्रीव्यू मैच में कुछ डिस्कस करेंगे कि कौन से प्लेयर लेने चाहिए, कौन से प्लेयर नहीं लेने चाहिए, पिच वगैरह सब कुछ यहाँ पर ध्यान देंगे कि कैप्टन वाइज कैप्टन किसे चूज करना चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा जहाँ पर आप जान जाएंगे कि कैसे हम ड्रीम इलेवन में नंबर वन टीम बना सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको ऐसे और भी खेल्स के बारे में जानना है, प्रिडिक्ट करना है, तो नंबर वन टीम बनाना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा ताकि ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें नंबर वन टीम बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम चलते हैं प्रीव्यू मैच की तरफ। उससे पहले दोस्तों मैं चलता हूँ कि जिस मैच में यहाँ पर देखिए जो प्रीव्यू मैच मतलब इससे पहले जो मैचेस हुए थे उसका स्कोर कार्ड हम देखते हैं। तो स्कोर कार्ड की मतलब यहाँ पर हम बात करें स्कोर कार्ड की, तो यहाँ पर देखिए आप स्मृति मंधाना, शिफाली वर्मा जो कि अच्छी प्लेयर्स हैं यहाँ पर कोई अच्छा खासा रन नहीं बनाए थे। बट बात करें हम यहाँ पर देखिए मिताली राज ने अच्छा खासा खेला था और यहाँ पर बहुत सारे प्लेयर्स हैं जहाँ पर आपको मैं बताऊँगा कि कौन से प्लेयर आपको सिलेक्ट करना चाहिए, आपके प्लेइंग इलेवन में होना चाहिए प्रिडिक्शन पूरी बेहतरीन तरीके से। तो चलिए आज का वीडियो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं पिच से। तो देखिए ये पिच जो कहाँ पर मैच होने वाला है हम उसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर मैच की बात करें तो हम सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं मैच, मतलब कि यहाँ पर लाइव स्कोर को छोड़कर हम यहाँ पर मैच सर्च करते हैं जो कि मैच होने वाले हैं वो कहाँ पर होने वाले हैं। तो इसकी बात करें तो हम देखिए यहाँ पर टुमारो के डेट में यहाँ पर दिया जा रहा है, क्योंकि ये जो स्टेडियम की बात करें तो स्टेडियम आपका देखिए ये काउंटी ग्राउंड टॉन्टम यहाँ पर होने वाला है। तो इसके हम प्रीव्यू मैच की बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर प्रीव्यू मैच की बात करें तो यहाँ पर हम प्रीव्यू मैच में चलते हैं जो भी इससे पहले इस ग्राउंड पर मुकाबले हुए थे, उस ग्राउंड में यहाँ पर कौन से बैट्समैन भारी हुए थे, यानी कि बैट्समैन ज़्यादा चले थे या फिर बॉलर्स। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं देखिए इस यहाँ पर इस ग्राउंड्स में यहाँ पर देखिए बैट्समैन की बात करें तो सारे बैट्समैन लगभग कुछ ना कुछ रन मार दिए थे। देख सकते हैं यहाँ पर रन्स बैट्समैन के ज़्यादा थे और यहाँ पर बात करें विकेट्स भी अच्छे खासे लिए गए थे। तो हम यहाँ पर विकेट्स यानी कि बॉलर एंड बैट्समैन दोनों को इक्वल लेंगे और कैप्टन वाइज कैप्टन कैसे चूज़ करना है मैं आपको बताऊँगा। तो इस ग्राउंड में बैटिंग बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो चलिए हम अब चलते हैं प्रीव्यू मैच की तरफ। अब देखिए प्रीव्यू मैच में हम आते हैं, तो फिर से मैं थोड़ा सा बैक ले लेता हूँ। प्रीव्यू मैच में आते हैं और इस पर क्लिक करते हैं। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इस देखने के बाद आप एकदम ड्रीम इलेवन नंबर वन टीम बना पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर जो पहले इनके जो अच्छे प्लेयर हैं जिन्होंने अच्छे खासे परफॉर्मेंस किए थे प्रीव्यू मैच यानी कि फर्स्ट ओडीआई में, तो देखिए मिताली राज, पूनम रावत एंड दीप्ति शर्मा ने, बस इतने ही लोग। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर बेन मॉन्ट एंड नेट सिवर एंड यहाँ पर जो नाइट है इन्होंने अच्छा खासा यहाँ पर खेला था। और यहाँ पर विकेट की बात करें तो यहाँ पर तीन लोगों ने विकेट भी अच्छा खासा लिया था। तो देखिए अब यहाँ पर हम प्लेइंग इलेवन अपना सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि हम आते हैं यहाँ पर बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पर तानिया भाटिया जो भी हैं भाटिया नाम से, तो देखिए ये कब आई थी यहाँ पर हम देखते हैं। सबसे पहले सेलेक्ट करने से पहले स्क्रो काट के देखते हैं, स्क्रो काट देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये कम से कम आठवें नंबर पे आई थी। तो यहाँ पर हम विकेट कीपर इन्हें नहीं लेंगे क्योंकि ये बहुत ही दूर आ रही हैं। और बात करें यहाँ पर दूसरे विकेट कीपर की, तो ये जो एमी जोन्स हैं यहाँ पर आपको चौथे नंबर पे दिख सकती हैं, तो हम विकेट कीपर में इन्हें सेलेक्ट करेंगे। देन बैट्समैन में आएंगे तो ये बैट्समैन में पहला यहाँ पर बैट्समैन जो भी हैं बहुत ही अच्छा खेलते हैं, और जो हमारा थर्ड बैट्समैन स्मृति मंधाना एंड शिफाली वर्मा भले से अगले मैच में नहीं चली लेकिन आने वाली पिच जो है उसकी कंडीशन सही है और यहाँ पर बैट्समैन का यहाँ पर बोलबाला रहने वाला है। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं और देन हम फिर से आते हैं यहाँ पर क्लिक करते हैं। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपनिंग के लिए यहाँ पर विनफील्ड उतरी थी और बाकी की सीवर यहाँ पर उतर सकती हैं जो कि ऑलराउंडर आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर विनफील्ड पर हम इन्हें भी सेलेक्ट कर लेते हैं। देन हमारे बैट्समैन होने के बाद दोस्तों ये दोनों तो हमारे रहेंगे ही रहेंगे। दोस्तों अब बात आती है कि हम हनप्रीत कौर को लें या ना लें। तो देखिए यहाँ पर अभी तक इन्होंने खास कोई परफॉर्मेंस किया नहीं है, यहाँ पर
इस प्रीव्यू मैचेस में, तो हम इन्हें नहीं लेंगे, उसकी जगह हम यहाँ पर ले लेंगे दीप्ति शर्मा को। और बाकी हम लेना चाहते हैं, अगर आप लेना चाहते थे कि ब्राउन को ले सकते हैं आप, लेकिन हमारे पास अभी जगह नहीं, हम आप आ जाते हैं थ्री बॉलर्स को सेलेक्ट करने। तो पहला बॉलर था, इन्हें लेना ही लेना है। अगर आपको अब इसमें से किस बॉलर को लेना चाहिए, इंडियन बॉलर, तो इंडियन बॉलर की बात करें तो यहाँ पर अब हम आ जाते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर धुनन गोस्वामी और यहाँ पर विस्ट, यहाँ पर ये दोनों ने विकेट लिया था। बट यहाँ पर शिखा पांडे जो कि बैटिंग्स भी कर लेती हैं, तो बॉलर के रूप में हम इन्हें रखेंगे शिखा पांडे को। तो चलिए हम शिखा पांडे को रख लेते हैं बॉलर के रूप में। तो यहाँ पर बात करें तो शिखा पांडे शायद हमारी यहाँ पर ऑलराउंडर में हैं, तो इसलिए यहाँ पर नहीं ले पाएंगे हम। और बात करें यहाँ पर, तो हम झूलन गोस्वामी को ले लेते हैं। और यहाँ पर एक बॉलर और सेलेक्ट करना है जिसे हम ले लेते हैं यहाँ पर, आप ले सकते हैं यहाँ पर। फिर से हम चलिए यहाँ पर प्रीव्यू देखते हैं और यहाँ पर हम ले लेते हैं इंडियन वुमेन्स में चलते हैं, और जो सबसे ज़्यादा विकेट लिया है जैसे कि यहाँ देख सकते हैं ब्रॉन्ट, फिर देखिए यहाँ पर सर्वेशल, और यहाँ पर इनका तो हमने सेलेक्ट कर ही लिया था। तो यहाँ पर ब्रॉन्ट को हम ले लेते हैं, और यहाँ पर चलिए बॉलर पर आते हैं और कि ब्रॉन्ट कहाँ पर हैं, यहाँ पर हम उन्हें सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अभी के लिए नहीं दिख रही हैं, शायद ये ऑलराउंडर हैं। लेकिन अब यहाँ पर बात करें और भी जो हैं यहाँ पर बॉलर्स की बात करें, तो यहाँ पर सर्वल्स यहाँ पर उन्हें ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन वो हमारे यहाँ पर हमारा पॉइंट कम हो रहा था, इसलिए हम यहाँ पर पॉइंट के हिसाब से यहाँ पर ले लेते हैं, इन्हें सेलेक्ट कर लेते हैं। तो कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है वाइस कैप्टन एंड कैप्टन चुनने की। तो देखिए यहाँ पर आप बैटिंग तो बहुत ही अच्छी होने वाली है इस पिच पे, तो ज़्यादा से ज़्यादा रन बनने वाले हैं, तो बैटिंग से को ही यहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा कैप्टन वाइस कैप्टन बनाइए। तो कैप्टन के लिए मैं यहाँ पर रिकमेंड करूँगा शिफाली वर्मा को, और वाइस कैप्टन के लिए रिकमेंड करूँगा यहाँ पर नाइट को। और देन से पर क्लिक करिए और अपना जो भी कॉन्टेस्ट लगाना है लगा सकते हैं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले ऐसे ही प्रेडिक्शन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।